हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने वालों को गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या ऐसे स्कीम्स हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए जो फायदेमंद रह सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली हम एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, जिससे कि अपना जीडीपी का ग्रोथ हो। क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट होने की वजह से ऑब्वियसली बात है कि जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी आती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि और भी ज्यादा एक्सपोर्टर्स अपने देश में हो और ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें। मेरा नाम है तेजस परसलगी और मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेंटर हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में टिप्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं और आपको घर बैठे बैठे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी मैं असिस्ट करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक पहला जो आता है वो जीएसटी रिबेट है। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी अगर चीज अपने को परचेस करना है तो उसका जीएसटी अपने को भरना पड़ता है, और वैसे ही एक एक्सपोर्टर को भी, अगर एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है जिसका खुद का प्रोडक्शन नहीं है या फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो फिर वो अपने एक सप्लायर से कोई मटेरियल खरीदता है तो उसको वहां पे जीएसटी वो भरना पड़ता है, और बाद में जाके जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट उसका सेल्स हो जाता है, तो उसको शिपिंग बिल और बिल ऑफ लेडिंग जो बीएल होता है वो सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके अगेंस्ट उसको जो भी जीएसटी वो पे किए रहते हैं सप्लायर को, वो जीएसटी उनको वापस मिल जाता है अपने अकाउंट में। तो दूसरा आता है एमईआईएस। एमईआईएस मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग परसेंटेज का ड्रॉबैक मिलता है। तो जैसे कि आपका कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसको अलग, और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है तो उसको अलग, वैसे 2% से 5% तक का ड्रॉबैक स्क्रिप्ट अपने को मिलता है एक्सपोर्टर को, जो ट्रांसफरेबल रहता है। उस स्क्रिप्ट का फायदा ये है एक्सपोर्टर के लिए कि मान लीजिएगा कि आप एक्सपोर्टर हैं और आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 5% का एक स्क्रिप्ट मिलता है, और आप ही को अगर कोई चीज इंपोर्ट करना है किसी देश से तो फिर उसका इंपोर्ट ड्यूटी जो आपको लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी जैसे 30% का होता है या फिर 25% का होता है, कि अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटीज होते हैं, तो अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी आपको नलीफाई करना है तो फिर ये जो स्क्रिप्ट होता है आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि इसके अगेंस्ट जो भी 5% का है वो उसमें से डिडक्ट हो जाए, तो आपके इंपोर्ट ड्यूटी में वो बेनिफिट करता है। और अगर आप कोई इंपोर्ट नहीं करते हो और इंपोर्ट स्क्रिप्ट आपको नहीं चाहिए तो फिर वो आप ट्रांसफर करके ले सकते हो आपके अकाउंट में, और DGFT के साइड पे वो आपको अप्लाई करना पड़ता है कि ये स्क्रिप्ट अपने को मॉनिटरी बेनिफिट के तौर पे अपने को अपने अकाउंट में चाहिए करके, वो 5% या 2% या 3% जो भी परसेंटेज आपके प्रोडक्ट के हिसाब से रहता है वो DGFT के साइड पे अप्लाई करके आप उसको वापस ले सकते हो। तो ये हो गया MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड है वो MEIS में आता है। तो तीसरा आता है दोस्तों SEIS। SEIS मतलब सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। MEIS में होता है कि प्रोडक्ट्स होते हैं और SEIS में सर्विस होता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि आपका कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड फर्म है और आप किसी US और UK क्लाइंट के लिए अपने रिसोर्सेज आप दे रहे हो और फिर काम उनका आउटसोर्सिंग करके दे रहे हो, तो वो हो गया आपका सर्विस एक्सपोर्ट। तो उसके अगेंस्ट जो भी आपका पेमेंट आता है उसमें से 2-5% आपको बेनिफिट मिलता है, और सेम MEIS की तरह आपको वो स्क्रिप्ट मिलता है। अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट ड्यूटी आपका नलीफाई करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर वही चीज़ आप ट्रांसफ़र करके ले सकते हो DGFT के साइट पे ऑनलाइन जाके। सेम तरीका है MEIS और SEIS का, आप 2-5% आप उसमें से बेनिफिट ले सकते हो। तो चौथा है दोस्तों ड्यूटी ड्रॉबैक, DBK। DBK बेनिफिट उनके लिए है, जो भी एक्सपोर्ट करता है उनके लिए एक DBK बेनिफिट होता है। हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विस का एक स्पेसिफिक परसेंटेज फिक्स रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि इस प्रोडक्ट को इतना परसेंटेज, इस प्रोडक्ट को इतना परसेंटेज, ऐसे फिक्स रहता है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे दोस्तों तो आपको आपके CHA को मेंशन करना पड़ता है कि अपना प्रोडक्ट जो है DBK के अंडर आता है, तो फिर हमें उसका ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो लेना है। तो वो CHA क्या करते हैं कि शिपिंग बिल जब फाइल करते हैं तो उसमें पूरा क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट है और ये ड्यूटी ड्रॉबैक के अंडर आता है, तो वो शिपिंग बिल में मेंशन करके आता है। तो वो शिपिंग बिल जो है एक्सपोर्ट करने के बाद आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, और उसके अगेंस्ट जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलता है वो आपको अवेल करके लेना है। उसका भी एक प्रॉपर तरीका है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जो मैं अगले और वीडियोस में आपको शेयर करूंगा। और मान लीजिएगा कि कोई एक्सपोर्टर MEIS स्कीम को भी लेता है और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को भी लेता है, तो MEIS स्कीम में मान लीजिएगा 5% मिलेगा और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में आपको 2% मिलेगा, तो टोटल आप 7% का बेनिफिट आप गवर्नमेंट से ले सकते हो।
तो ये खासियत है एक एक्सपोर्ट बिजनेस की कि आप जितना एक्सपोर्ट आप करते हो उतना आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है। तो MEIS हो गया, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो भी एक प्रोडक्ट बेचता है उसके अंडर उनको 2-5% का बेनिफिट मिलता है, प्लस एक ड्यूटी ड्रॉबैक जो रहता है उसी प्रोडक्ट पे अगर मान लीजिएगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक है तो फिर वो भी एडिशनल बेनिफिट उसको मिलता है 5 और 2 दोनों मिला के 7% या फिर 4 और 2 दोनों मिला के 6%, ऐसे बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं। तो पांचवा जो आता है दोस्तों वो है EPCG। EPCG मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अगर उसको कोई मशीनरी चाहिए जो उसको दूसरे देश से इंपोर्ट करके लेना है तो उन मशीनरीज पे जो इम्पोर्ट होता है तो उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। तो इसमें एक एक्सपोर्टर को या फिर एक मैन्युफैक्चरर को EPCG का लाइसेंस लेना पड़ता है, उनका एक कोड आता है उसके अगेंस्ट उनका जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो माफ़ किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ करके आप लेते हो तो फिर आपके प्रोडक्ट्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, और वो कितना करना है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट माफ़ किया गया रहता है उसका 6 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट सेल्स एक मैन्युफैक्चरर को दिखाना है 6 साल के अंदर। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उस मैन्युफैक्चरर को या फिर उस EPCG लाइसेंस होल्डर को पेनल्टी भरना पड़ता है, और वो जो अमाउंट उनको इंपोर्ट ड्यूटी का माफ़ किया गया रहता है उसका विथ इंटरेस्ट रीपेमेंट करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट वो पेनल्टी भी भरना पड़ता है। तो ये होता है गवर्नमेंट का रूल उसके EPCG के अगेंस्ट। अगर आप काफ़ी सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि इतना इतना हम एक्सपोर्ट करेंगे 5-6 साल में, तो आप फ्री शिपमेंट EPCG अवेल करके ले सकते हो। अगर आप नए हो तो आपको अगर आइडिया नहीं है कि 6 साल में हम उसका 6 गुना एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो फिर आप पोस्ट शिपमेंट EPCG अवेल करके ले सकते हो। तो छठा आता है दोस्तों एडवांस अथोराइजेशन। एडवांस अथोराइजेशन में क्या होता है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं और अगर आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं लेकिन आपका रॉ मटेरियल आप कहीं और से किसी और देश से इंपोर्ट करके ले रहे हो तो उसके ऊपर का जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है आपको माफ़ किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको जो भी आप रॉ मटेरियल से जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसका आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर आपको भी पेनल्टी गिरेगा और आपको भी वो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ किया गया रहता है वो विथ इंटरेस्ट आपको रीपेमेंट करना पड़ता है पेनल्टी के साथ में। तो ये एक बेनिफिट है एडवांस ऑथराइजेशन का, जिसमें आप रॉ मटेरियल अगर ले रहे हो किसी और देश से तो फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है उसका, और उसका जो रॉ मटेरियल आप लेते हो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उस प्रोडक्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ये आप कंसाइनमेंट बेसिस पे भी उसका बेनिफिट ले सकते हो या फिर ईयरली बेसिस पे भी उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, जैसे आप चाहें। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे कि अगर आप FIO के मेंबर हो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, तो फिर आपको एयर फेयर में जैसे कि ट्रेड शोज वगैरह होते हैं बाहर के देश में, तो फिर वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाने के लिए आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको स्टॉल के प्राइजेस में थोड़ा सा सब्सिडी मिलता है और आपके एयर फेयर में एक तरफा एयर फेयर आपका प्राइसिंग जो है गवर्नमेंट लेती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए भी बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस है तो वो होता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यह सबसे सही मौका है। तो प्लीज़ आप सब लोग इस पर ध्यान दीजिए और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग जल्द से जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में घुसने वाले हैं यहाँ से आगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस फील्ड में जल्द से जल्द उतरें ताकि आगे जाके आपको आसानी से आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए पॉसिबल हो। तो देखते रहिए दोस्तों और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।